हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक और इंडो चाइनीज रेसिपी, शेजवान फ्राइड राइस, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी और खिला खिला है। तो ऐसे यम्मी टेस्टी शेजवान फ्राइड राइस के लिए मैंने लिए हैं, ये है बंदा गोभी एक कटोरी है, ये है गाजर एक कटोरी, शिमला मिर्च एक कटोरी, फ्रेंच बीन्स है, हरा प्याज को काट के मैंने सफ़ेद वाला और हरा वाला हिस्सा दोनों अलग अलग रखा है, शेजवान सॉस है और कश्मीरी लाल मिर्च है, विनेगर है, कुटी काली मिर्च है, नमक, टमाटो सॉस, सोया सॉस, लहसुन एक इंच अदरक का टुकड़ा और तिल्ली का तेल। उसके अलावा ये है बासमती चावल, ये 250 ग्राम है। सबसे पहले हम लोग चावलों को धो के भीगने के लिए रख देंगे। चावल को अगर हम लोग धो के भिगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। अभी चावल को मैंने धो लिया है, इसमें पानी डाल के इसे हम लोग आधा घंटा भीगने के लिए रख देते हैं। अभी मैंने एक बर्तन रखा है, इसमें मैंने अराउंड 4 ग्लास पानी डाला है, ग्लास से चावल 1 ग्लास है। अभी चावल भीग गए हैं, आधा घंटा हो गया है, मैं इसे छान ले रही हूँ। पानी गर्म हो गया, उसमें मैंने डाला है नमक, नमक डाल के मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। अब पानी में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया, उसमें मैं छाना हुआ जो चावल है जिसे हमने भिगो के रख दिया था उसको डाला है। डाल के चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, ओनली 80% पकाना है, थोड़ा सा कच्चा ही रहना चाहिए चावल, क्योंकि इसे हम लोग सॉस के साथ पकाएंगे। अगर चावल पूरी तरीके से पक जाएगा तो जब हम लोग सॉस में उसको फ्राई करेंगे तो वो खिचड़ी जैसा बनेगा, खिला खिला नहीं बनेगा। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने इसे छान लिया है। छान के अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नॉर्मल वाटर, डालने से इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। अभी इसको एक बार मिक्स करके मैं रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ तिल्ली का तेल। आपके पास जो भी ऑयल है उसको यूज़ कर लेना। ऑयल जैसे गर्म हो गया है, उसमें मैंने डाला है बारीक कटा अदरक और लहसुन डाल के। अभी मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाली। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो लाल मिर्च डालना, अदरवाइज स्किप कर लेना। अब हरा प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा मैं डाल रही हूँ, और जो हरा वाला प्याज है उसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। डालकर अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके उसके बाद इसमें मैं कटी हुई वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने डाला है, पहले एक कटोरी गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है और बंदा गोभी है। डालकर अभी इन्हें हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। वेजिटेबल आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, इसमें आप स्वीट कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपको पसंद है आप उन वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हो। अब यह है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला घोल बना रही हूँ। इसको मैं कलर की जगह यूज़ कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छे से आता है, तीखा नहीं रहता है। जनरली हम लोग जो स्ट्रीट फूड खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं उसमें कलर रहता है, बट मैं कलर की जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अभी हम इसमें डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस, ये 2 टेबलस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद ये है टमाटो सॉस, 1 टेबलस्पून है। डालकर अभी जो कश्मीरी लाल मिर्च जिसको मैंने पानी में घोल लिया है उसको मैं डाल रही हूँ। डालकर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून है। डालकर गैस का फ्लेम हाई रखकर हाई फ्लेम पर मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो इसमें एक बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा, और वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पके हुए चावल, इनको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। पके हुए चावल डालकर गैस का फ्लेम हाई रखकर इसको लगातार चलाते हुए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चावल को मैंने ओनली 80% तक ही कुक किया है, और इसीलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तभी भी चावल नहीं टूट रहे हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कूटी काली मिर्च, 1 टीस्पून है। ये है विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया है। उसके बाद नमक, नमक आप देखकर डालना क्योंकि सॉसेस में भी नमक रहता है। डालकर अभी लगातार अच्छे से कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना है, ताकि सारे सॉसेस नमक चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरा प्याज, डालकर हमें फिर से अच्छे से हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भुनना है। भुनने के बाद आप देख सकते चावल एकदम खिला खिला बना है, और मैंने इतने स्पीड में भुनने के बावजूद भी चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, और चावल भी एकदम अच्छे से पक गए हैं। अभी मैंने एक बार अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अभी
मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। सर्विंग प्लेट में निकाल कर इसे मैं गार्निश करूँगी हरे प्याज के साथ। इसका कॉम्बिनेशन वैसे तो मंचूरियन के साथ बहुत ही बढ़िया रहता है, बट आप ऐसे भी खाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगेगा। अब आप भी ये टेस्टी शेजवान फ्राइड राइस ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।